हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बैगन का भरता। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ एक बैगन ले लिया है, ये वेट में 300 ग्राम है। एक बड़ा कटा हुआ प्याज, एक कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटा चम्मच कटा हुआ लहसुन, एक छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक, एक बड़ा कटा हुआ टमाटर, धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक बड़ा चम्मच घी, 3 बड़ा चम्मच ऑयल। सबसे पहले हम बैगन में कट लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम कट लगाएंगे। हमें इसे पूरा नहीं काटना है, बीच से हम इसे काट लेंगे। 3 से 4 कट लगाएंगे हम। मैंने इसमें इसलिए कट लगाए ताकि हम इसमें देख सकें कि इसमें कोई कीड़ा ना हो। ये देखिए, इस तरह से देख लें, इसी तरह सब तरफ हम देख लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। हम बैगन की हर तरफ अच्छी तरह से ऑयल लगाएंगे, जिससे कि पकने के बाद बैगन का छिलका बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाएगा और बहुत ही आसानी से निकलेगा। ये देखिए, मैंने इसमें ऑयल अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हम इसे पका लें। मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें बैगन रखेंगे और इसे पकने देंगे। आप चाहे तो एक स्टैंड रख सकते हैं और उसके ऊपर बैगन को रख के आप इसे पका सकते हैं। बैगन को हमें पलटाते हुए अच्छी तरह से रोस्ट करना है। हर तरफ से हम इसे पकाते रहेंगे, घुमा घुमा के इसे हम पकाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। बैगन अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम बैगन को छील लेंगे। अगर बैगन ज्यादा गर्म हो तो आप हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के बैगन को छील सकते हैं। इसी तरह से हम बैगन के पूरे छिलके निकाल लेंगे। ये देखिए, कितनी आसानी से निकल रहा है। ऑयल लगाने से इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। हमने बैगन के छिलके को अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब हम इसका हेड काट लेंगे, इसको काट के निकाल लेंगे। अब हम एक फोक की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे। हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। जीरा डालेंगे। हमारा जीरा क्रैकल होने लगा है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने देना है। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और प्याज डालेंगे। चलाते हुए हमें इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। ये देखिए, हमारा प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे।
मसालों को हमें ज्यादा नहीं भूनना है वरना ये जल जाएंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे। हमें टमाटर को अच्छी तरह से गल जाने तक पका लेना है। दो से 3 मिनट बाद हम देखेंगे टमाटर अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें मैश किया हुआ बैगन को डालेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, घी डालेंगे। घी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। धनिया पत्ता डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। काफी अच्छा भरता बनकर तैयार हुआ, ये देखिए। आप भी जरूर ट्राई कीजिए इसे और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। भरता बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।